नजारा है यूपी के जिले संभल का, जहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी के फ्लैक्सी पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है, तो वहीं पुलिस भी चुपचाप ये तमाशा देखती रही। बता दें आपको कि जिला सत्र और जनपद न्यायाधीश के चंदौसी में बैठने का नोटिफिकेशन जारी होते ही संभल के वकीलों और सामाजिक संगठनों में रोष पनप गया। उन्होंने इसके विरोध में पूरे शहर में जुलूस निकाला और हाथों में लाठी, डंडे और सरिये लेकर सपा, बसपा और भाजपा के खिलाफ जमकर नारे लगाए। क्या वजह है, क्या मांग है आप? देखिए, हमारी मांग यह है कि क्योंकि संभल को जिला 2011 में बनाया जा चुका है और संभल के जिले का हेडक्वार्टर भी संभल तहसील पवासा में तय हो चुका है, पिछली सरकार ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है, उसके लिए पैसा भी जारी हो चुका है और कुछ पैसा आ गया है जिससे जमीनें खरीदी जा रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संभल की जनता के साथ ये धोखा किया कि उसे जो टेम्परेरी अस्थायी रूप से जिला जज और बाकी न्यायालय जितने काम करने थे जिले के, मुरादाबाद से हटाकर और बजाय संभल के चंदौसी को कर दिए गए। चंदौसी और संभल में बहुत बड़ा फर्क है, 22 लाख की आबादी का जिला है संभल, जिसमें 12.5 लाख की आबादी अकेले संभल तहसील की है और संभल में ही ट्रेजरी है, पहले से संभल ही जिला है। बताते चले आपको कि साल 2011 में तत्कालीन बसपा मुख्यमंत्री रही मायावती ने संभल, चंदौसी और गुन्नौर तहसील को मिलाकर भीमनगर नाम से जिला बनाया था। इसके बाद पूर्ववर्ती सपा सरकार ने जिले का नाम भीमनगर से बदलकर संभल रख दिया था। संभल से SPI 9 न्यूज के लिए पंकज राघव की रिपोर्ट।